गुजराती आदमी बिजनेस माइंडेड होते हैं। हाँ तो होते हैं भाई, हम उसको ताना समझते हैं नहीं, हम उसको कॉम्प्लीमेंट समझते हैं। हाँ 100%। तुमने गुजराती आदमी को अगर नौकरी पे रखा होगा तो 2000 के इंक्रीमेंट के लिए भले वो 2 महीने तुम्हारा जान खा रहा होगा, लेकिन कंपनी को ज्वाइन करने के 2 दिन में उसके कंपनी का वैल्यूएशन इवेल्युएशन सब करके रखा होगा कि न करे नारायण ने कल उठ के मेरा दिन आया और ये कंपनी में खरीद लूंगा, भाव का पता होना चाहिए ना भाई। गुजराती आदमी तुम्हारी सोसाइटी में मकान लेगा, फिर 4 दिन के बाद वहां का सेक्रेटरी बनेगा, चेयरमैन नहीं हो सेक्रेटरी, क्योंकि लेवर देवर सारा सेक्रेटरी के पास होता है ना। पर गुजराती आदमी का सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं उसके नॉन गुजराती दोस्त। वो दिल्ली से दीपेश आया होगा तो सबसे पहले गुजरात में आके राजकोट वाले राजेश को फोन करेगा, राजेश भाई सुना है तुम्हारे गुजरात की मेमन गति बहुत मस्त होती है इसलिए तुम्हारे शहर में आया हूं। इतने फिर ये मेमन गति का लटुड़ा पटुड़ा सुन के राजकोट वाले राजेश भाई चेक लिमड़ी तक उसको लेने जाएंगे। बोलो तो करो, तुम्हारा नॉन गुजराती दोस्तों को सारे को टैग करो। और हम जो गुजराती आदमी है ना वो जनाब हिंदी इतना अच्छा भी बोल लेते हैं, इसलिए हमको है ना वो सीरियलों के अंदर ऐसे दिखाना बंद करो, समझिए।